यूपी पुलिस अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा सवालों के घेरे में रहती है, मगर कई बार इंसानियत को तरजीह देने की वजह से खाकी की तारीफ भी होती आई है। ऐसा ही एक मामला यूपी के महाराजगंज जनपद से सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पुलिस के मानवीय कार्य की हर कोई खुले मन से सराहना कर रहा है। दरअसल महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के जंगल से सटे ग्राम टेढ़ी में गेहूं के खेत में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग कुछ इस कदर भड़की कि चपेट में आकर लगभग 20 घर जलकर खाक हो गए। वहीं आग की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की भी जलकर मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर मौके पर थाना पुरंदरपुर की पुलिस ने पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से प्राइवेट ट्यूबवेल के जरिए पानी की व्यवस्था कराकर आग पर काबू पा लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना था, लेकिन कोई संसाधन नहीं था क्योंकि ये गांव चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है, जहां पर वाहन के आगमन की कोई सुविधा नहीं है। लिहाजा मृतक वृद्ध महिला जो 75 साल की थी, पुलिस ने उसके शव को किट में रखकर एक बांस की तख्ती तैयार की, जिसके बाद पुलिस की टीम ने शव को कंधे पर रखकर रोहिणी नदी को पार करते हुए लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। फिर वाहन की व्यवस्था कराकर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस रवाना किया। पुलिस का इस मानवीयता भरे कार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स उन पुलिस के जवानों की जमकर तारीफ कर रहे हैं।